आधुनिक युग के निबंधकारों में श्री राम वृक्ष प्रेणीपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेणीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही इनके सिर से माता पिता की छाया उठ गई थी। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर यह अध्ययन छोड़कर राष्ट्र सेवा में लग गए। गांधी जी के दर्शन में इनकी विशेष आस्था है। रामचरितमानस के पाठ पठन में इन्हें साहित्य की ओर प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी। सन 1968 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था से ही ये पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लग गए थे। इन्होंने बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि सभी गद्य विधाओं में बेणीपुरी जी अनेक कृतियां प्रकाशित कर चुके हैं। इनकी कुछ रचनाएं बेणीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता, ये सब रेखाचित्र हैं। अब पाली नाटक है, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखाचित्र दोनों हैं। पैरों में पंख बांधकर ये इनका यात्रा वर्णन है और जंजीरें और दीवारें इनका संस्मरण है। ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनकी भाषा ओजपूर्ण और सशक्त है। इनकी भाषा में प्रांतीय शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, परंतु समग्रतः इनकी भाषा खड़ी बोली के परिष्कृत रूप में अनुगामिनी है। इन्होंने सामान्य बोलचाल के शब्दों में तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। वाक्य रचना स्वाभाविक है। बाल गोविंद भगत के द्वारा रचित इनका रेखाचित्र, जिसमें लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो अपने क्षेत्र का लोकनायक है। उसने रूढ़ियों से ग्रस्त समाज से टक्कर लेकर अपने युग में सर्वत्र क्रांतिकारी पग उठाए हैं। अपने पुत्र की चिता को अपनी पतोहू से अग्नि दिलवाई और पुनर्विवाह करने के लिए कहा। इस रेखाचित्र में मनोवृत्ति, मातृकंठ, अकस्मात, आवृत जैसे तत्सम शब्दों के साथ साथ इन्होंने देश शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है।